एक आर्मी ने तिरंगा झंडा दिया भी ये ले लो, उसने फेंक दिया, उसने कहा यही लहराया तो क्या हुआ? लहराने से पूछना चाहता हूँ क्या हुआ? ये पगड़ी पे दाग लगा क्या? आपका झंडा परमानेंट लग गया जी। क्या खालिस्तान बन गया? देखो खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना बनेगा, ना बनने देंगे, ये तो गारंटी है। मैं वो आदमी हूँ, बम खा के, गोलियां खा के, अपने खून से निकली हुई मेरी आवाज है। वो भैया मैं आपको कह रहा हूँ, सिख कौम को क्यों बार बार बदनाम अपमानित कर रहे हो? तो पाकिस्तान ISI पन्नू जो डॉलर भेज रहा था, उनका मिशन तो पूरा हो जाता जी। जब खून की नदियां बह जाती, जैसे अब कह रहे हैं, पुलिस ने क्या किया? गोलियां चल जाती, पुलिस ने गोली चला दी। दोनों तरफ से पुलिस मर रही थी ना जी। एक तरफ गोली चलती जलियांवाला बाग बनता, एक तरफ नई गोली चली तो पुलिस क्या कर रही थी? इंतजाम क्या थे जी। गुरु महाराज का, गुरु ग्रंथ साहब सामने विराजमान है और पाठ चल रहा है, और आतंकवादी आते हैं, बहनों के सुहाग उजाड़ देते हैं, बच्चों को यतीम कर देते हैं, बच्चों पे गोलियां चलाते हैं, औरतों पे गोलियां चलाते हैं, 35-40 के करीब लाशें बिछा देते हैं। चल वहां पे, मैं तेरे साथ चलता हूँ, चल वहां पे, देखू तू कितना बहादुर है। जो कहता है मैं इंदिरा गांधी मारी, मैं फलाने को मोदी को, चल देखू मैं तेरी कितनी दलेरी। हमारे ग्रंथी की बेटी को अगवा कर लिया जाता है ननकाना साहब में, उस वक्त तुम्हारी जबान कहाँ है? अभी कश्मीर के अंदर 45 सिखों को लाइन में खड़ा करके मार दिया जाता है कुछ साल पहले, उस वक्त तुम्हारी जबान कहाँ है? अभी तुम्हारी जबान है जब इकट्ठे होते ला बोले सोने, अरे गुरु महाराज का अपमान करते हो, कौम का अपमान करते हो, है दलेरी तो जा ननकाना साहब। चार आदमियों की गलती से पूरा सिख समाज पे प्रश्न चिन्ह आ जाए, चार लोगों की गलती से पूरा देश तबाह हो जाए, चार लोगों की गलती से आज हमारा पंजाब तबाह हो गया। डुंगाई में क्यों नहीं जाते? क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं कहां रखी गई? अब तिरंगे झंडे की नहीं रखी गई ना, अब आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं। सिख समाज के खिलाफ आज तक मैंने कोई गलत वीडियो डालते हुए किसी को नहीं देखा बोलते हुए, अब बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। अब पुरानी भूल जाएंगे कि तिरंगे का अपमान हुआ, उसने ये किया, उसने वो कहा। अरे जिसने नी रखी उसको गलत क्यों नहीं कहते आप? सिख समाज की संस्थाएं क्यों आगे नहीं निकलती कि यह गलत हुआ? कोई नहीं निकला, ये हमारे लिए दुख की बात है, हमारे लिए सोचने का विषय है जी। जितनी भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब से लेके पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गुरुद्वारा साहब है, वहां सब ऐलान करे कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं था जिन्होंने हमारे राष्ट्र के धरोहर का अपमान किया है जी। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बात करेंगे आज जो कृषि बिल को लेकर पूरे देश, पूरी दिल्ली में एक हंगामा हुआ, जिसके बाद तिरंगे का भी अपमान किया गया और किसी पार्टी ने या किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, उल्टा सारी पार्टियां अब जो किसान नेता हैं उनके समर्थन में आ चुकी हैं, पर किसी ने पुलिस वालों का साथ नहीं दिया, किसी ने तिरंगे झंडे का अपमान हुआ उसका विरोध नहीं किया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MS बिट्टा जी, बात करते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन सब मुद्दों पर। सर किस तरीके से देखते हैं आप जो ये घटनाएं हुई हैं, किसान बिल को लेकर आंदोलन होता है, ट्रैक्टर परेड निकलती है, उसके बाद एक तरीके से जो बवाल मचा दिया जाता है दिल्ली में, तोड़ फोड़, झंडे का अपमान करना, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो किसान आंदोलन पूरी दुनिया में बैठा हुआ हर किसान, हर आम आदमी अगर उनकी जायज मांगे उनके साथ खड़ा है। किसान हमारा अन्नदाता है जी। किसान हमें रोटी देता है, किसान है तो हम सब है। जय किसान जय जवान ये जवान, ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जी। पर ये तो कोई तरीका नहीं कि आंदोलन की आड़ में किसान आंदोलन के लीडर, ठीक है ना, उनके जो लीडर राजुआना साहब ये कहें कि आंदोलन में गलत लोग गुस्सों के ध्यान रखिएगा, तो फिर ट्रैक्टर रैली क्यों निकाली जब पता था ऐसा होगा? ट्रैक्टर रैली अगर निकली तो पूरे डिसिप्लिन में जाती, जिस तरीके से पुलिस ने परमिशन दी। ट्रैक्टर रैली का रास्ता तोड़ करके लाल किला की तरफ जाना, इसका मतलब एक प्लानिंग थी। तिरंगे झंडे का अपमान करना, इसका मतलब एक प्लानिंग थी। किसानों के लीडर ऐसा नहीं कर सकते, पर बीच में जो गलत अंतर घुस चुके थे उन्होंने जाकर के तिरंगे झंडे का अपमान करके सारी पूरी सिख कौम को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। एक होता तिरंगा झंडा हम लहराते हैं, आम लहराते हैं, लहरा दिया। एक है तिरंगा झंडा आज़ादी का, वो तिरंगा झंडा आज़ादी के बाद जो पहला तिरंगा झंडा लहराया गया, और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस तिरंगे झंडे को लहराया, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल,
बाबा साहब अम्बेडकर सारे वहीं थे जब झंडा लहराया गया था, उस झंडे को आपने अपमानित कर दिया। मुझे इस चीज का अफसोस है, जिस तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए मैंने कई बार अपने शरीरों पे बम खाए, ठीक जी, बम्बों गोलियों के अंदर मैं तिरंगे झंडे को लहराता रहा, शान से कहते थे तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे, 5 बजे उतारते थे, सीने पे लगाते थे, वंदे मातरम भारत माता की जय, बोले सोनियाल सत श्री अकाल बोलते थे, ले जाते थे। हम उन गोलियों और बम्बों से उस तिरंगे झंडे को तो बचा लिया, पर मुझे अफसोस है जो तिरंगे की जड़ थी, जो भारत माता की नहीं रखी गई थी, उस तिरंगे झंडे को अपमानित होके मैं अपने सामने देखता रहा, मैं कुछ कर नहीं पाया। इस चीज का मुझे गिला और मुझे दुख रहेगा, और सबसे बड़ा दुख रहेगा हमारी ही कौम के आदमी जो मेरे सिर पे पगड़ी है, वो तिरंगे झंडे को उन्होंने अपमानित कर दिया। इस चीज का मुझे दुख रहेगा। और जहां आप देखें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, काला पानी के शहीदों ने, पंजाब के हजारों थे जिन्होंने काला पानी में शहादतों का जाम पिया, इस तिरंगे झंडे के लिए, इस आजादी के लिए। उनकी रूह, उनकी आत्मा रोती होगी कि जिस देश को आजाद कराने के लिए, जिस देश को आजाद करा करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जलियांवाला बाग के अंदर सीने पे गोलियां खाई, खून की नदियां बहाई, और उसके बाद आजादी की नींव रखी गई, फिर उस खून से ये तिरंगा झंडा बुना गया, उनकी आत्माएं रोती होगी। उस तिरंगे झंडे का, हमारी आजादी का प्रश्न, वही उन्होंने अपमान कर दिया, इसका तो गिला उनकी आत्मा, उनकी रूह को रहेगा। सर एक वीडियो निकल के आ रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है एक न्यूज द्वारा कि खालिस्तानी जो संगठन है उसने लाल किला पर झंडा फहराने के लिए $2.5 लाख का इनाम भी रखा था। और सर एक चीज और देखी गई कि वहां पर जो भाई मौजूद थे उनमें से किसी ने रोका नहीं कि ऐसा मत करो, झंडे को मत फेंको, क्योंकि वीडियोस में देखा गया कि कोई नीचे से झंडा पकड़ा रहा उसको फेंक दिया जाता है। देखो एक बात मैं आपको कहूं, बड़े हालात उस वक्त नाजुक बन चुके थे जो मैं देख रहा था जी। एक तरफ हजारों की तादाद में ट्रैक्टर थे, एक तरफ पुलिस सामने थी, और पुलिस के पास रिवॉल्वर भी थे, बंदूक भी थी, गोला बारूद भी था जी। क्योंकि पुलिस चौकी थी, अंदर तो पूरी गोली बारूद था जी। जी दो चीजें थी कि तिरंगे झंडे की आन और शान के लिए पुलिस के जवान कुर्बानी दे देते, बहुत बड़ा प्रश्न और सवाल है जी। जी। दूसरी तरफ सवाल जो पूछा, उन्होंने जो सोचा, अगर एक गोली चलाएंगे तो हजारों गोलियां सब तरफ से निकलेंगी, यहां तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, यहां तो जलियांवाला बाग बन जाएगा जी। और पॉलिटिकल पार्टियां यही कहती थी, और टकैत ने भी कहा था गोली चलनी चाहिए, चाहे मांग पूरी होगी। तो पाकिस्तान ISI पन्नू जो डॉलर भेज रहा था उनका मिशन तो पूरा हो जाता जी। जब खून की नदियां बह जाती, जैसे अब कह रहे पुलिस ने क्या किया, गोलियां चल जाती, पुलिस ने गोली चला दी, दोनों तरफ से पुलिस मर रही थी ना जी। एक तरफ गोली चलती जलियांवाला बाग बनता, एक तरफ नहीं गोली चली तो पुलिस क्या कर रही थी, इंतजाम क्या थे जी। जी जी हमने भी लाखों रैलियां की हैं, अभी लाल किला में की हैं, रामलीला पे की हैं, इंडिया गेट पे रैलियां की हैं, पूरे देश में रैलियां की हैं, 4-4, 5-5 लाख की रैली की है जी। हम भी मजे से आते थे लोग नौजवान और रैली करके चले जाते थे, कभी भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई भी किसी को तकलीफ हुआ हो, किसी ने खाना खाया उसको पैसे दिए, तिरंगे झंडे को कभी पैरों में रुलने नहीं दिया। और बताया जाता था इस तिरंगे झंडे कागज का झंडा है, आपके पास पैरों में गिरना नहीं चाहिए जी, पैरों में गिर गया तो समझो देश का अपमान है। हम ट्रेनिंग देते थे, आपने तिरंगे झंडे तो पकड़ा दिए, आपने अपने झंडे तो पकड़ा दिए, पर उस तिरंगे झंडे को पकड़ने का क्या फायदा हुआ, अगर मेन जो झंडा था लाल किला में आजादी का तिरंगा झंडा, उसको आपने अपमान कर दिया। आपके पास तिरंगे झंडे ना होने का तो किस काम का, इसका मतलब आपको समझ नहीं, हमारे गुरु साहिबानों ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी थी, पंजाब के लिए नहीं दी थी, पूरे देश के लिए अपनी जीवन को कुर्बान किया था, और हमने उनकी आस्था के ऊपर खिलवाड़ कर दिया, हमने अपने कानून बना दिए, हमने अपने सिद्धांत बना दिए, हमने उनके असूलों को छोड़ दिया, हम कृपाण निकाल करके नेथों को मार देते हैं और कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं। हमारे गुरु साहबान के ये असूल नहीं थे, हमारे गुरु महाराज के साहबान के असूल थे मजलूमों की रक्षा करना।
आपने तो लाल किला के अंदर पुलिस की जो महिलाएं थी उनके ऊपर चढ़ गए, पैर चढ़ा दिए। पुलिस वाले ना होते महिलाएं मर जाती, मैं उन पुलिस की महिलाओं को मिला हूं। तो ये मजलूमों की रक्षा की आपने, आपने महिलाओं को अपमान कर दिया। अगर पगड़ी को दाग लग जाता आपको पकड़ लेता, देखो जी सरदारों का अपमान कर दिया। वो कहते लाठियां भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, तलवारें भी खाएंगे, बरछे भी खाएंगे, पर सरदार की पगड़ी के ऊपर दाग नहीं लगने देंगे। कोई बात नहीं, मार के चले गए, ऊपर से नीचे फेंक दिए। कभी देखा ऐसे कभी पुलिस मार खाती हुई? कभी बताओ हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पुलिस को मार खाते हुए देखा हो? पहली बार दिल्ली पुलिस ने मार खाई, इसलिए मार नहीं खाई, मार खाई सिर्फ सरदार के लिए, मार खाई सिर्फ पगड़ी के लिए, कि अपने से को एक गोली निकली तो कितनी चल जाएंगी। गोलियां भरी हुई थी उनके पुलिस चौकी के अंदर। ये किया दिल्ली की पुलिस ने? अभी भी भड़के मारते हो आप, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी भी पुराने इतिहास आप भूले नहीं है कि आपकी गलतियों से 84 के दंगे हुए पूरे देश के अंदर? आपने बे लोगों को उजाड़ दिया, सिख भाइयों को उजाड़ दिया, कत्लेआम हो गया, घरों में टायर डाल के उनको जला दिया गया, आपकी गलतियों से हुआ। आपने पंजाब में 19,000 हिंदुओं को मारा, आपने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों को कत्लेआम किया जी, उसका खमियाजा बाहर के सिखों को भुगतना पड़ा। और मैं एक और चीज बता दूं, मुझे अफसोस है इस बात का, पंजाब के बाहर के मेरे सिख भाई अभी भी नहीं समझे। यही सुना जाता है पंजाब के सरदारों ने आके फट्टे चक दिए लाल किला में झंडा लहरा के। अरे भैया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, ऐसी वीडियो वायरल मत करो, ऐसा मत करो, अपने कर्म करो, जो आप कर रहे हो गुरु महाराज का जो इतिहास है उस पर चले जी। आपसे बड़ा सिख कौन हो सकता है पंजाब से बाहर, जो आप दिल से सेवा करते हैं गुरु महाराज की? ऐसा मत करो, जो गलत है उनको गलत कहने की कोशिश करो, नहीं करोगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ जो मेरा अनुभव। सर जो ये खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, आखिरकार जब पाकिस्तान में घटनाएं होती हैं, जब गुरुद्वारों पर आक्रमण किया जाता है या मस्जिद बनाने की बात कही जाती है तो कोई नहीं आता, और वहां जब सिख लड़की के साथ बदतमीजी होती है, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी जाती है, तब कोई नहीं आता, आखिर उस टाइम यही जिन्होंने झंडा फहराया, हिम्मत दिखा के, वो कहां चले गए? ऐसा है, ये कहते थे हमने इंदिरा गांधी मार दी, किसान रैली में बोला था ना जी जी जी, अब हम नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे, यही कहा था जी। उसी सरदार साहब को कहना चाहता हूँ, बड़े बहादुर दलेर है ना, ये पोशाक हमारे गुरु नानक देव जी गुरु गोविंद सिंह महाराज की है ना, जो भी हमारा लबास है ये सिर की पगड़ी उनकी है ना जी। है तुम्हारे में दम जा पाकिस्तान, वीजा मिलता है ना करतारपुर साहब का, हो जा गैब वहां पे जी। उस काफर को गोली मार के वहीं शहीद हो जा, मैं तुम्हें सलूट करूंगा। है तुम्हारे में दम? है दिल्ली में लाल किला में तिरंगा झंडा का अपमान करने वाले, इनको इनके अंदर है दम? है दलेरी? या काबुल के अंदर, काबुल कंधार के अंदर, जहां गुरुद्वारा साहब का इतिहास है, गुरुद्वारा साहब गुरु महाराज का, गुरु ग्रंथ साहब सामने विराजमान है और पाठ चल रहा है, और आतंकवादी आते हैं, बहनों के सुहाग उजाड़ देते हैं, बच्चों को यतीम कर देते हैं, बच्चों पे गोलियां चलाते हैं, औरतों पे गोलियां चलाते हैं, 35-40 के करीब लाशें बचा देते हैं। चल वहां पे, मैं तेरे साथ चलता हूं, चल वहां पे, देखू तू कितना बहादुर है। जो कहता है मैं इंदिरा गांधी मारी, मैं फलाने को मोदी को, चल देखू मैं तेरी कितनी दलेरी। हमारे ग्रंथी की बेटी को अगवा कर लिया जाता है ननकाना साहब में, उस वक्त तुम्हारी जबान कहां है? अभी कश्मीर के अंदर 45 सिखों को लाइन में खड़ा करके मार दिया जाता है कुछ साल पहले, उस वक्त तुम्हारी जबान कहां है? अभी तुम्हारी जबान है जब इकट्ठे होते ला बोले सोने, अरे गुरु महाराज का अपमान करते हो, कौम का अपमान करते हो, है दलेरी तो जा ननकाना साहब करतारपुर साहब का खुलने वाला, जा चले जा, गायब हो जा वहां से, जा मार के आ, मार वहां, आ भी ना वहीं चले जा, वहीं शहीद हो जा, मानूंगी तेरी, तेरे लिए मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, तेरे परिवार के लिए, जा करके आ। दिल्ली अपना, हिंदुस्तान अपना, प्राइम मिनिस्टर मिले हमें, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह मिले, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति मिले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया, सिखों का पूरा मान सम्मान, सिखों को पूरी इज्जत करते हैं, कोरोना के ऊपर जो सिख समाज ने अपना इतिहास बनाया, हर सिख, हर हिंदू, हर मुसलमान ईसाई सिख कौम के आगे सिर झुकाता है और कहता है सिख कौम के कारण ही हम बचे, ये हिंदू भाई कहता है, और आपके अंदर अंदर नस में गस चुका है हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू भाई तो कह रहा है सिख ना होते थे आज कौम ना होती। वो कर्म हमारे गुरु महाराज ने किए थे, सच्चे पातशाह ने कुर्बानियां दी थी, तुमने क्या कर्म किए भैया जी? कर्म किए शहीद आजम भगत सिंह जी ने, कर्म किए जनरल अर्जन सिंह जी ने, कर्म किए जगजीत सिंह अरोड़ा ने,
आपने क्या कर्म किया? आपने नेतों को मारा है? पंजाब के 19,000 बेगुनाह लोगों को खालिस्तानियों मारा आपने? आपकी गलतियों से 84 के दंगे दिल्ली के अंदर देखे नहीं, क्या तबाही आई आपकी गलतियों से? अच्छा बड़ा हिंदुस्तान था, आपने तबाह करके रख दिया। आज भी अब हम पे शक किया जाएगा क्या? आज भी हम पे शक किया जाएगा क्या, जैसे पहले शक किया जाता था? आपने बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए।